हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मुझे किसी ने पूछा कि अगर हम जॉब करते हैं और किसी कारण से हमें जॉब चेंज करना पड़ता है, तो यानी कि पिछले साल में हमारे पास दो एम्प्लॉयर होते हैं, तो ऐसे केसेस में जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म 16 होते हैं। कई बार कई लोगों को दो से ज्यादा बार भी जॉब चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास दो से ज्यादा फॉर्म 16 हो जाएंगे। तो ऐसे लोग इन सिचुएशन में किस तरह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म 16 है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्या सावधानियां लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म 16 क्या है। फ्रेंड्स, फॉर्म 16 एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जो भी टैक्स डिडक्ट हुए उसकी डिटेल रहती है, और पार्ट बी में आपके इनकम की डिटेल रहती है। तो बेसिकली फॉर्म 16 हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है। अगर उसने उसका टैक्स काटा है तो टैक्स कटे हुए का डिटेल रहेगा, और जो भी इनकम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पिछले साल में दी है उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई एक से ज्यादा जगह पिछले फाइनेंशियल ईयर में काम करता है और उसके पास एक से ज्यादा फॉर्म 16 होते हैं, तो उसको किस तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। हम ऐसे तीन सिचुएशंस ले सकते हैं। पहला सिचुएशन ये लेते हैं कि आपने पिछले साल में दो जगह काम किया है और दोनों जगह से आपको फॉर्म 16 मिले हैं। तो दोनों जगह से अगर आपको फॉर्म 16 मिले हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जगह के फॉर्म 16 से आप अपनी इनकम को ऐड कर लीजिए। इनकम को ऐड करने के बाद में जो भी डिडक्शंस आपको क्लेम करने हैं वो डिडक्शंस उसमें से माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद में जो इनकम रह जाती है उस इनकम पे अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में अगर आपका टीडीएस उतना कटा हुआ है तो ठीक है, अगर कम कटा हुआ है तो आपको चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा कटा हुआ है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देगा आपका ज्यादा कटा हुआ टैक्स। इसी तरह आप जानते हैं कि अगर किसी के पास में एक फॉर्म 16 है और जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी ने उसको फॉर्म 16 नहीं दिया, तो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉर्म 16 से अपना इनकम ले लीजिए, और दूसरे जगह से जहां से आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, आपके पास में पे स्लिप होगा या सैलरी सर्टिफिकेट होगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, या यहाँ तक अगर ये भी नहीं हो कि नहीं हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे, तो वो अमाउंट आप ले लीजिए, और फॉर्म 16 में जो आपका इनकम है उस इनकम में आपको जो दूसरी कंपनी से इनकम रिसीव हुआ है उसको ऐड कर लीजिए। फिर सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, आप डिडक्शंस उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में जो नेट इनकम आपकी रहती है उस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में आप देख लीजिए कि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है। अगर उतना ही कटा हुआ है तो न देना है न लेना है, और अगर ज्यादा कटा हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर कम कटा हुआ है तो चालान से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब तीसरा सिचुएशन लेते हैं। तीसरे सिचुएशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों ही कंपनी ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया। इस सिनेरियो में भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट सोर्सेस से अपने इनकम को जॉट डाउन कर लीजिए, चाहे आपके पास में सैलरी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके पास में पे स्लिप हो, या अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो बैंक अकाउंट को गो थ्रू करिए, उसमें देखिए कि कितने पैसे आपको रिसीव हुए हैं आपके दोनों एम्प्लॉयर से, उनका टोटल कर लीजिए। ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा, उसमें से आप अपने डिडक्शंस माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में वही सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, नेट टोटल इनकम बचा, नेट टोटल इनकम के बेसिस पे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए कि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है, टीडीएस अगर ज्यादा कटा हुआ है तो आपको रिफंड आ जाएगा, काम कटा हुआ है तो आपको चालान से पेमेंट करना है। तो ये तो दोस्तों ये तरीका था कि किस तरह से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं कि हमारे को फॉर्म 16 कंपनी देगी हम तभी रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर में पेनल्टी आ जाती है, और ऑब्वियसली हमारी कंपनी वो पेनल्टी तो भरने नहीं वाली है। बेटर है कि हम वेट ना करें, रिक्वेस्ट करें अपनी कंपनी को कि टाइमली हमारे को फॉर्म 16 दे दे ताकि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सके। फॉर्म 16 होना एक बेस्ट सिनेरियो माना जाता है, इससे इनकम टैक्स से नोटिस, क्लैरिफिकेशन नोटिस आने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए, अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको अपना फॉर्म 16 टाइम से दे दे। और स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप जॉब छोड़ते हो और दो जगह या दो से ज्यादा जगह एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में काम करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए सारी जगह की इनकम लेकर ही आप अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर किसी जगह की इनकम आप छोड़ देंगे और डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने अपना इनकम ठीक तरीके से नहीं डिक्लेयर किया है, या फिर आपने अपना इनकम कम डिक्लेयर किया है, तो अननेसेसरी आपके पास में नोटिस आएगा, नोटिस आने के साथ में टेंशन आएगी। तो इसीलिए इनकम टैक्स के मामले में बिल्कुल सतर्क रहिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से पूरे इनकम के साथ में ही फाइल करिए। अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं एक चीज का यहाँ स्पेशल एक मेंशन करना चाहूंगा
जो मैंने आमतौर पर देखा है कि जब आप अपना जॉब चेंज करते हैं तो होता क्या है कि पहली कंपनी ने भी आपको एटीसी के डिडक्शंस दिए हुए होते हैं और नई कंपनी जो है वो भी आपको एटीसी के डिडक्शंस दे देती है। तो होता यह है कि दोनों जगह से आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है। और अगर हम आपकी इनकम की बात करें तो इस कारण से आपका जो नेट टोटल इनकम है वो कम हो जाता है और आप कम टैक्स पे करते हैं। आइडियल सिनेरियो ये होता है कि जब आप जॉब चेंज करते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नई कंपनी को अपनी पिछली कंपनी से आपको जो भी इनकम मिला है और जो भी उन्होंने टैक्स काटा है और जो भी कुछ आपने वहां पे सबमिट किया रहता है वो उनको बता दीजिए, ताकि वो आपके इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन उसके बेसिस पर ही करें और ये परेशानी किसी को भी बाद में न उठानी पड़े। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल करिए, सही फाइल करिए। और अगर आपने अपना जॉब छोड़ा था, नया जॉब ज्वाइन किया था, तो हर जगह से सारी इनकम को लीजिए, क्लब करिए और टाइमली अपना रिटर्न फाइल करिए।